ओम शांति। दादी जी जैसे ही नाम के अनुसार प्रकाश मणि थी, सच में उनके जीवन प्रेरणाओं से भरपूर होने के कारण उनके एक एक कर्म प्रकाश फैलाते थे और अनेक जीवन को सच्ची राह दिखाने के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य कराते थे। ऐसे ही उनके सेवा में जो ज्यादा अग्रसर रहे और साथ साथ उनके रहे, ऐसे भ्राता रमेश शाह जी, अपना दादी के साथ का घनिष्ठ संबंध कैसा था हमसे अपने अनुभव साझा करते हुए बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला के एक पांडुरंग शास्त्री जी हुआ करते थे, जो लौकिक समय से ही रमेश भाई जी के मित्र थे। जब दादी के संपर्क में रमेश भाई जी का आना हुआ तो और समाचार मिला कि दादी जी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है, तो दादी ने जिस हिसाब से रमेश भाई से अपना समाचार साझा किया कि मेरा ऐसा ऐसा कार्यक्रम बाबा बना रहे हैं जाने का, ये सन 1952 की बात थी, तो जब उन्होंने ये बात बताई तो मालूम पड़ा कि वहां पर ही, क्योंकि दादी जापान जा रहे थे, तो बोला वहां पर ही मेरे भी एक मित्र हैं जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से कई बार मेरे साथ उठना बैठना उनका रहता है और एक अच्छे श्रीमद् भगवद गीता पाठशाला का संचालन करते हैं वो और उनके मित्र भी वहां जा रहे हैं। और ऐसे अनजान शहर में अगर कोई अपना साथी, जैसे इंडियंस आपस में एक दूसरे को मिल जाते हैं तो एक सहयोग हो जाता है, खुशी मिलती है। तो दादी जी अगर आपकी इच्छा हो या आप परमिशन दे तो क्या मैं उनको कहूँ कि कभी भोजन के लिए आपके पास चले जाएं वहां पर? तो दादी जी ने कहा जैसा आप ठीक समझो। तो रमेश भाई जी बता रहे हैं कि मैंने शास्त्री जी को मुंबई में ही बोल दिया था जापान जाने से कुछ दिन पूर्व ही कि आप और आपके साथी दोनों अकेले जापान जा रहे हैं, हाँ वहां आपको अगर खाने पीने की कुछ दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ब्रह्मा कुमारी बहनें भी हमारी वहां हैं तो मैंने उनको बता दिया है, आप उनसे वहां जाकर संपर्क कर लेना। भावना तो पीछे यही थी कि चलो भोजन के बहाने आएंगे तो भोजन के साथ कुछ ईश्वरीय वार्तालाप भी हो जाएगी, इसी बहाने भगवान का ज्ञान कुछ कानों में पड़ेगा। तो दोनों ने वहां गए और बात भी मानी। जापान में कम से कम 10 दिन की कॉन्फ्रेंस चली, तो दादी जी और रतन मोहिनी दादी जी उनके साथ थे। तो सोचिए दोनों ने अपने हाथ से बनाया हुआ पवित्र भोजन भी खिलाया, साथ में ईश्वरीय ऐसी वार्तालाप हुई जिसके कारण बहुत विस्तार से दादी जी ने यज्ञ की बातें, जो साकार समय पर कैसे कैसे हुआ, कैसे पिकेटिंग्स वगैरह भी चली, लेकिन ये यज्ञ एकदम निर्विघ्न रूप से कैसे चला, बच्चों में कौन शक्ति भरता था, तो ये सब बातों ही बातों में जैसे यज्ञ इतिहास एक कहानी के रूप में दादी जी ने उनको प्रस्तुत कर दी। और सच में ही जब कुछ समय के बाद उनका वापस इंडिया आना हुआ और मुंबई आकर रमेश भाई जी से मिलना हुआ, तो उन्होंने बोला रमेश भाई, ब्रह्मा कुमारी संस्था का इतिहास सुनकर, और वो भी मैंने जाना कि पुरुष प्रधान समाज में बहनों की आध्यात्मिक उन्नति में कितना रुकावट उन्होंने डाली, लेकिन मतलब सुन सुनकर मेरे आंखों से पानी निकल रहा था, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक उन्नति किसी भी प्रकार की रुकी नहीं, ये बड़ी वंडरफुल बात है। और ये सुनकर उनको लगा कि इस विश्वविद्यालय से जैसे मेरा बड़ा घना संबंध है, ऐसा स्नेह गहरा है, जो प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जगत अम्बा की गाथाएं सुनकर, मतलब वो अंदर ही अंदर जैसे भाव विभोर हो रहे थे। और जब उनका अनुभव सुन रहे थे तो रमेश भाई जी कह रहे थे वाह दादी वाह, वाह बाबा वाह, आपने कैसे एक भोजन को बहाना बनाया, लेकिन कैसे जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रेमी था उस आत्मा को इनडायरेक्टली भी कैसे बाबा का प्यारा बना दिया और ज्ञान से जोड़ दिया। और
सच में ही वो व्यक्ति सेवा के इतने साथी बन गए जो बाद में भी सेवाओं में कई जगह पर उनका सहयोग सेवा का विस्तार करने के लिए मिलता रहा। फिर बाद में दादी जी जब पटना में थे तो ब्रह्मा बाबा मुंबई आते जाते थे, दादी जी का भी मुंबई में चक्कर लगता था। परंतु जैसे पांडुरंग शास्त्री जी का दादी से इतना कनेक्शन इतना नहीं था जितना सुनकर भावना बैठ गई थी, किसके प्रति? बाबा के प्रति, मम्मा के प्रति। तो ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति में ज्यादा कारोबार ब्रह्मा बाबा से ही होता था। तो जैसे रमेश भाई जी ज्यादातर ब्रह्मा बाबा से मिलते जुलते रहते थे, तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा से कारोबार होने के कारण कोई भी प्रदर्शनी आदि बनाते थे, चित्र बनाते थे, तो उन्हीं से पूछा करते थे। तो भाई सब बता रहे हैं कि 1964 की बात है जब मैंने प्रदर्शनी के चित्र बनाने शुरू करे थे। मैंने अर्थात उनके साथ आनंद किशोर भाई और भी थे, तो उन्होंने कहा जब पहला चित्र बनाया और वो चित्र था सच्चा वैष्णव कौन है, तो ये पहला चित्र बनाया और ब्रह्मा बाबा के पास वो चित्र लिखत सहित कि इस चित्र के लिए ये हम समझाएंगे ऐसे चेक करने के लिए, ताकि रीचेक कर लीजिए कुछ गड़बड़ हो, तो वो चेकिंग के लिए भेजा था कि वेरीफाई करके आप मुझे भेज दीजिएगा। 2 दिन में ब्रह्मा बाबा ने वो चित्र और उसकी लिखत में बहुत सारी रेड मार्क्स करेक्शन करके भेज दी। जब भेजी और बोला, उसमें लिखा था कि बच्चे इसको दोबारा सुधार करके फिर भेजना अच्छे अक्षरों में लिखकर, तो रमेश भाई ने जब वो चित्र देखा और देखा उसमें तो किसी और की हैंडराइटिंग है, तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा से पूछा, ब्रह्मा बाबा को बोला कि ये मैंने आपको वेरिफिकेशन के लिए भेजा था, लेकिन ये जो इसमें करेक्शन लिखी आ रही है ये आपकी हैंडराइटिंग तो नहीं है, ये आपके अक्षर हो ही नहीं सकते। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा हाँ ये मैंने नहीं किया। तो उन्होंने पूछा ये किसने किया, तो कहा बच्ची कुमारी का बच्ची है ना, जो प्रकाशमणि दादी जी का नाम कुमारी का था, तो बोला कुमारी का बच्ची है ना यहाँ पर, ये उसकी लिखत है, उसी ने सुधार करके भेजा है। तो भाई जी ने, रमेश भाई जी ने बहुत सहज भाव से बाबा को बोला कि बाबा अच्छा अगर उन्होंने ही इन चित्रों में सुधार करना है तो मैं चित्र भेजूं, फिर वेरीफाई करके आए, फिर मैं उसको भेजूं, फिर कोई करेक्शन आए, चलो आप तो बड़े हैं, आपका बार बार आना जाना नहीं होगा, क्यों ना आप कुमारी का बहन कोई भेज दीजिए, ताकि कोई भी करेक्शन होगी तो यहाँ के यहाँ ही आपकी प्रतिनिधि के रूप में वो आए, और कोई भी करेक्शन होगी तो करके फिर फाइनली हम आपको वो चित्र भेज सकें। उन्होंने तो सिर्फ एक सहज भाव से अपना राय ऑफर करी थी, लेकिन बाबा तो और सरल व्यक्तित्व के, बाबा ने सहज ही उस बात को मान लिया, बिल्कुल भी अभिमान नहीं कि तुम कौन होते हो कहने वाले, तुम्हारी क्या राय है, नहीं, तुरंत ही उस बात को स्वीकार कर लिया। और फिर अगले ही दिन टेलीग्राम लिखा कि कुमारी का बच्ची आ रही है, आप लोग इनको रिसीव करने के लिए स्टेशन पर पहुंचो। तो इस प्रकार जैसे प्रदर्शनी के पहले चित्र में भी दादी जी का पूर्ण सहयोग रहा, और प्रदर्शनी की सेवा के लिए भी दादी जी और दीदी जी, इन सब ने चित्रों की समझानी कैसे रखनी चाहिए सब फाइनल करके बताई। और जब पहला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ था तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, जिन्होंने दादी जी और उषा बहन जो रमेश भाई जी की लौकिक में युगल थी, तो उन्होंने दोनों ने उस पंडाल को समझाया, प्रदर्शनी को समझाया, और समझाने के बाद दादी जी एक युक्ति जरूर रचती थी कि जो भी, जैसे गवर्नर इतने बड़े आए थे तो उनसे ओपिनियन लिखवाया कि आप बताइए आपको ये सब समझने के बाद कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ। तो गवर्नर ने खुद ओपिनियन में लिखा वंडरफुल, मार्वलेस, माना ये अद्भुत प्रदर्शनी है, ऐसी प्रदर्शनी मैंने और कहीं नहीं देखी। और बाद में सभा में भी कुछ अपने वक्तव्य रखने को बोले, संबोधन करने के लिए बोला, तो गवर्नर ने वहां पर भी ब्रह्मा कुमारी के इस ज्ञान की बहुत तारीफ करी। माना इस प्रकार रमेश भाई जी बता रहे हैं कि दादी जी इतनी विशालता से एक एक बात को समझती थी कि इस प्रकार का व्यक्ति अगर इस चित्र को देखेगा तो क्या वो समझ पाएगा।
तो उतनी गहराई से एक साधारण भी समझ सके, एक उच्च पद का अधिकारी भी उस बात को समझ सके उतनी गहराई से। ये बातें इतने चित्रों पर वो जो काम करना होता था उतनी गहराई से दादी करवाती थी। और इस प्रकार प्रदर्शनी की सेवा और ओपिनियन लिखवाने की शुरुआत जो हुई ये दादी जी ने ही शुरू करी थी। बाद में तो फिर मातेश्वरी यानी मामा का भी आना जाना मुंबई में होता ही रहता था। मातेश्वरी जी भी दादी जी के साथ और भी महारथी भाई बहन होते थे, उन सबको बुलाकर जहां तहां जहां जहां स्थान होता था या इनविटेशन आते थे वहां ये प्रदर्शनी के चित्र ले जाकर सेवाएं बेहद विस्तार रूप से करी। और धीरे धीरे ये सेवाओं का दौर बढ़ता चला गया। फिर ब्रह्मा बाबा को कुछ समय बाद ईस्टर्न जोन की सेवा के लिए अच्छे हैंड्स की जरूरत थी। कलकत्ता साइड में कुछ सेवाएं ऑफर हुई तो कोई हैंड्स हो मना अच्छा भाषण करने वाला, संभालने वाली संचालिका के रूप में, ऐसे कुछ बच्चे चाहिए थे। तो बाबा सोच ही रहे थे कि किसको भेजा जाए, तो जो दादा लेखराज की लौकिक बेटी थी निर्मल शांता दादी, तो उन्होंने बोला दादा को, खास ब्रह्मा बाबा को ऑफर किया कि मैं कोलकाता जा सकती हूँ अगर आप चाहें तो, क्योंकि राय तो हर कोई सहज रूप से पिता के सामने रखते थे। और ब्रह्मा बाबा ने फौरन उस बात को स्वीकार भी कर लिया। प्रकाशमणि दादी को गामदेवी सेंटर यानी मुंबई में भेजा, वहां का इंचार्ज बना दिया, और निर्मल शांता दादी को ईस्टर्न जोन का इंचार्ज बना दिया। और तब से दादी प्रकाशमणि जी के साथ, क्योंकि रमेश भाई जी भी गामदेवी मुंबई में रहा करते थे, तो उनके साथ जैसे हमारा पूरा लौकिक परिवार भी बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ चुका था। और दादी के अव्यक्त होने तक जैसे मेरी माता जी रमेश भाई जी बता रहे हैं, या बहनें या युगल, सभी का ऐसा आना जाना मिलना होता था जैसे कोई घर का ही व्यक्ति आ जा रहा। और रमेश भाई जी की माता जी तो जैसे उनको बेटी के रूप में देखकर उस भावना से ही उनके साथ व्यवहार भी करती थी। तो उन दिनों दादी जी को माइग्रेन की बीमारी थी, और माइग्रेन की बीमारी माना अचानक से कभी बहुत जोर से सिर दर्द हो जाना, या दौरा भी बढ़ जाता था, कभी ऐसा भी होता था, तो उल्टियां हो जाती थी, ऐसी कभी हालत होती थी जो खुद खुद को संभालना मुश्किल होता था। तो जब भी कभी दादी जी को माइग्रेन होता था तो बाबा की इतनी मदद जरूर थी कि दादी को जैसे पूर्वाभास हो जाता था कि मुझे लग रहा है कि मुझे चक्कर आने वाले हैं, मुझे कुछ सिरदर्द उठने वाली है, सेवा से जैसे पूर्व ही अगर होता था, तो पास में ही एकदम टैक्सी पकड़ती थी और दादी तुरंत रमेश भाई जी के लौकिक माता जी लौकिक घर चली जाती थी, माता जी के पास बैठती थी और कहती थी मुझे लग रहा है मुझे सिर दर्द शुरू होने वाला है। तो उनकी बहन, क्योंकि डॉक्टर भी थी वो लौकिक रूप से ही, और साथ में उषा बहन भी थी, माता जी भी थी, सभी मिलकर दवाई दुआएं हर प्रकार की सेवा ऐसी होती थी, लगता था जैसे घरेलू सदस्य, घर का कोई बच्चा कुछ शारीरिक व्याधि से थोड़ा सा तंग है तो चलो इसी बहाने कुछ आपस में परिवार में आकर एक दूसरे को सहयोग दे देते थे। उसी समय की बात है कि वाटरलू मेंशन में जब सेवा केंद्र बना था, उस समय था तो सही पुराना, लेकिन वहां से ऑफर आया कि इसको भी चेंज करना है, छोटा भी पड़ता था और कुछ समय भी हो गया था चेंज करने के लिए, तो ट्रांसफर होने की ऐसी बात चल रही थी। तो उन्होंने सोचा रमेश भाई ने कि चलो बाबा तो क्या आएंगे, हम दादी से ही पहले वेरीफाई करा ले कि कहाँ दूसरा सेवा केंद्र लेना चाहिए। तो दादी जी, रमेश भाई जी और उषा बहन सभी कार में बैठकर आसपास सेंटर पर स्थान देख रहे थे, गामदेवी सेंटर के पास ही खड़े थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पर अच्छा स्थान दिख रहा है तो बोला दादी जी आप बताओ आपको कहाँ पर मकान लेना है, और कहाँ मकान लेने की हम ट्राई करें, कोशिश करें, माना आप बताएंगे तो हम वहां ट्राई करके देखेंगे। तो उस समय गामदेवी में ही दारू उल मुल्क के नाम से एक बिल्डिंग बनी थी। भवन तो अच्छा बड़ा था लेकिन जैसे अपार्टमेंट्स दिए जाते तो कई लोगों ने अपनी अपनी बुकिंग कराई थी और मोस्टली बुकिंग हो चुकी थी।
तो और ऐसा मेन एरिया था, बबुलनाथ का मंदिर भी सामने ही ऐसा, तो उस स्थान को देखकर दादी जी ने ऐसे इशारा किया कि अगर यहाँ ही मकान मिल जाए, यहाँ सेंटर मिल जाए तो बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवा हो सकती। दादी जी का क्यों रमेश भाई ये बता रहे हैं कि दादी जी का साधारण रीति किया हुआ संकल्प आप देखिए एकदम साकार हो जाता है। कुछ ही दिनों में रमेश भाई जी उषा बहन दोनों ने जाकर ट्राई किया और ड्रामा प्लान अनुसार उसी भवन में एक फ्लैट खाली था और इन्होंने जाकर बुक कर लिया और फिर लौकिक परिवार आदि से भी राय सलाह चर्चा आदि करके दूसरे ही दिन दादी जी को उस फ्लैट में ईश्वरीय सेवा के लिए वो फ्लैट दे देने का राय सलाह करी और ऑफर भी कर दिया। दादी जी को फ्लैट पसंद भी आया। फिर जब यहाँ पसंद हो गई, बात पक्की हो गई, तो बाबा से तो पूछेंगे ना। फिर आबू गए बाबा से स्वीकृति लेने के लिए कि बाबा ऐसे ऐसे फ्लैट मिला है और ट्रांसफर तो करना ही था, तो सेवा शुरू कर दें। तो दो दिन के पश्चात आबू पहुंच गए, ब्रह्मा बाबा से मिलना भी हो गया और फिर जो वाटरलू मेंशन था उस सेवा केंद्र का स्थानांतरण गामदेवी साइड में हो गया। फिर वहां पर ही रहकर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने तक, मना 1964 की ये बात है, और 68 तक 5 वर्ष दादी जी ने, लगभग 5 वर्ष दादी जी से निरंतर पालना वहां के सभी मुंबई निवासियों ने ली और दादी जी के साथ रमेश भाई, उनके लौकिक परिवार आदि को भी बहुत आगे बढ़ने का जैसे अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर 24 जून 1965 को जैसे मातेश्वरी जगत अम्बा जी ने अपना पार्थिव देह त्यागा और अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया, तो जैसे मधुबन आए थोड़े ही दिन हुए थे क्योंकि मामा का अंतिम संस्कार आदि सब हुआ था, तो सभी को बस यही था कि अब तो वापस फिर अपने सेवा स्थान पर जाएंगे मुंबई। तो रमेश भाई कहते हैं हम इतने सहज थे ब्रह्मा बाबा से पूछने में, तो मैंने ब्रह्मा बाबा को मुंबई आने के बाद पत्र लिखा, बाबा अभी मातेश्वरी जी तो चले गए हैं, साकार रूप से नहीं हैं, तो अभी इस संस्था का साकार रूप से संस्थापक या संचालिका मुख्य रूप से कौन होगी, क्योंकि कुछ भी हो भले कोई गद्दी की बात नहीं होती है लेकिन आखिर तो पेपर वर्क में भी दिखाना तो होता है ना कि कौन मैनेजमेंट कमेटी में है, कौन इसका आगे संचालन कर रहे हैं और मुख्य संचालिका के रूप से किससे पूछा जाए कोई भी गवर्नमेंट फैसले लेने होते हैं, तो कोई तो एटलीस्ट हो। तो ब्रह्मा बाबा को पूछा, बाबा आप जो निर्णय देंगे हम उसी को ही ओके करेंगे, क्योंकि आप ही बताएंगे ना कि मम्मा के बाद मम्मा के जो भी जिम्मेवारियां थी, जो भी ऑफिशियल कारोबार आदि थे उसमें किसके सिग्नेचर्स आदि होंगे, किसका फाइनल डिसीजन माना जाएगा। तो ये राय रमेश भाई ने पत्र के द्वारा बाबा से मांगी। बाबा ने क्या उत्तर दिया वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।